क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A if A is equal to 5. If A equal to 5. Here, how many elements has P of A if A is equal to 5? देखो A is equal to 5 बताया गया है, तो A is equal to 5. 5 means क्या? Empty set. तो empty set किसको बोलेंगे? तो कोई भी set में element की जगह है ही नहीं, तो element present ही नहीं, इसको बोलेंगे empty set. तो A की value क्या है? Empty set यानी कि 0 है. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर number of A is equal to क्या होगा? Element नहीं है, 0 होगा. ठीक है? A is equal to 5 है, तो number of A is equal to क्या लिख सकते हैं? 0. अब देखो P of A हम जानते हैं P of A is equal to क्या होगा? 2 raised to n and what is the n? N is number of element. Number of element is 0. So 2 raised to 0 is equal to क्या? 1. 2 raised to 0 का आंसर 1 आता है. ठीक है? 2 raised to 0 का आंसर 0 नहीं आता है. 2 raised to 0 is equal to 1. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स. राइट एज फॉलोइंग एज इंटरवल्स. देखो जितने भी नीचे दिए गए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को इंटरवल फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर जो है वो बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो बिल्डर फॉर्म से हमें क्या लिखना है? इंटरवल फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए वन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. फर्स्ट नंबर एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस फोर लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू सिक्स. तो ये हमने इंटरवल की बात की थी. इंटरवल्स किस टाइप के होते हैं? ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है. ठीक है? तो ओपन इंटरवल किसको बोलेंगे? तो बोथ साइड ओपन कंडीशन होगी या तो बोथ साइड आंसर हमारा क्या होगा? ओपन होगा. क्लोज इंटरवल मींस बोथ साइड क्लोज होगा आंसर. और ओपन क्लोज का मीनिंग ये हुआ, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, और क्लोज ओपन का मीनिंग हुआ एक साइड क्लोज और एक साइड ओपन. तो यहां पर लिखना क्या है कि x की वैल्यू एक साइड लेफ्ट साइड क्या है? ओपन है, और राइट साइड क्या है? क्लोज है. तो हमें क्या लिखना है? ओपन क्लोज इंटरवल में आंसर लिखना पड़ेगा -4 and 6. इंटरवल टॉपिक एक बार रेफर कर लेना, अगले वीडियो में बताया था इंटरवल किस टाइप के होते हैं और इंटरवल जो लाइन के हिसाब से लिखना है वो कैसे लिखते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड है जो ओपन इंटरवल है, और राइट हैंड साइड जो है वो क्लोज इंटरवल रहेगा इक्वल टू के हिसाब से. तो 6 आएगा आंसर. ठीक है? सेकंड नंबर इज व्हाट? सेकंड नंबर इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर. एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर -12 less than x, -10. ठीक है? तो ये तो इक्वल टू है नहीं, लेस देन और इक्वल टू अगर होगा बोथ साइड तो हमें क्लोज इंटरवल बता सकते हैं, लेकिन इक्वल टू है नहीं तो बोथ साइड क्या होगा? ओपन इंटरवल. तो -12 भी ओपन, -10 भी ओपन इंटरवल में आंसर मिलेगा. थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर इज व्हाट? थर्ड नंबर x वेयर x बिलोंग्स टू r, x वेयर x बिलोंग्स टू r 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7. ओके, तो यहां पर x की वैल्यू क्या लेनी है? 0 लेनी है, इक्वल टू है, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज क्लोज इंटरवल. तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा? 0, और ओपन इंटरवल में क्या होगा? 7 राइट हैंड साइड. ठीक है? तो 0 और 7, सो x का आंसर क्या होगा? 0. चलो फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर इज व्हाट? x वेयर x बिलोंग्स टू r,
x where x belongs to R और x की जो वैल्यू है वो क्या है 3 less than और equal to x 3 less than or equal to x less than or equal to 4. तो ये both side x आंसर क्या है, x का आंसर क्या है 3 and 4 both है, तो दोनों आंसर बताने हैं वो भी क्लोज इंटरवल बताने पड़ेंगे। तो लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 3 एंड राइट हैंड साइड क्या होगा 4, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा 3 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। लिखो यहां पर राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द कौन से फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन पूरा पूरा समझ लीजिए कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, दिए गए इंटरवल्स को आप आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, अगर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया ना बिल्डर फॉर्म का और हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा, अब यहां पर क्या है इंटरवल फॉर्म है तो इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फर्स्ट इंटरवल कौन सा है, फर्स्ट इंटरवल क्वेश्चन नंबर 7 इज -3 0 बोथ इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x where x belongs to R -3 less than, देखो ओपन इंटरवल में तो इक्वल टू नहीं आएगा, x less than क्या होगा 0, तो बोथ साइड ओपन इंटरवल है तो इक्वल टू की साइन नहीं आएगी। ठीक है, ओके, सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर 6 और 12 वो भी क्लोज इंटरवल, तो 6 और 12 वो भी क्लोज इंटरवल है, तो 6 और 12 क्लोज इंटरवल में बताना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखना है x where x belongs to R क्या लिखना है 6 less than or equal to x less than or equal to क्या होगा 12 होगा, less than or equal to 12। देखो यहां पर बोथ साइड क्या चल रहा है, क्लोज इंटरवल इक्वल टू की साइन आ गई, तो आंसर हमारा है 6 और 12। ठीक है, ओके, थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओपन इंटरवल में 6 है और 12 क्लोज इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में क्या है 6 और 12 है क्लोज इंटरवल, तो लिखना क्या है x where x belongs to R 6 less than x क्लोज इंटरवल में 12 क्या लगता है इक्वल टू की साइन। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में क्या -23 और 5 क्लोज इंटरवल में -23 और 5 एंड वो भी ओपन इंटरवल में, तो 5 जो है ओपन इंटरवल है, -23 क्लोज इंटरवल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x where x belongs to R -23 less than or equal to x less than 5। ठीक है, 5 आंसर मिलेंगे, 23 के आंसर में सो दिस लेस देन और इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 एक बार देख लो, हमारे नया टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.3 में हमने क्वेश्चन 7 और 8 तक देखा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 9 नंबर में सॉरी 8 नंबर में यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ना है, तो अभी मैं यूनिवर्सल सेट समझा देता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट इज डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑफ ऑल एलिमेंट और या तो एवरी एलिमेंट
elements is known as universal set. Okay, the collection of all every number is known as universal set. तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है? तो सब सब नंबर का, सब एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है. तो सब नंबर एक ही सेट में होते हैं. दिस सेट को बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू. ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. 8 में क्या है? व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1 है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल. देखो, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल तो इसको आप यूनिवर्सल सेट में लिख सकते हो क्या? तो लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं? तो इन द प्लेन सेट ऑफ, ऐसे लिख सकते, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन. ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल. तो राइट ट्राइंगल में यूनिवर्सल सेट को लिखना है तो यूनिवर्सल सेट के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? प्लेन में लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएगा, आइसोसेलेस में ट्राइंगल आ जाएगा, सब ट्राइंगल्स आ जाएंगे. ठीक है, और सेकंड में भी बता है आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा है. द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम यूनिवर्सल सेट के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? तो लिखना ऐसा है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन, इन द प्लेन, या तो सेम प्लेन भी लिख सकते हो. ठीक है, इन द प्लेन बोथ आंसर इज सेम. ठीक है, तो ऐसे लिखना है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन. तो पूरे प्लेन पे जो भी ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का अगर जो सेट बनाए वो सेट यूनिवर्सल सेट के हिसाब से लिख सकते हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो. और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट गिवन, गिवन द सेट ए इज इक्वल टू, गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 246 एंड c इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू व्हाट? 2468. तो तीन सेट है हमारे पास, ए सेट है 135, b सेट है 246 एंड c सेट है 02468. तो तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नीचे दिए गए में से कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6. तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 and 6. ऑप्शन बी है या तो सेकंड नंबर 5 एंड दिस है. थर्ड नंबर इज व्हाट? थर्ड नंबर में 0 1 2 3 up to 10 तक है. और फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्या है? 1 2 3 up to 8 तक भी लिखा है. ठीक है, ऐसा कुछ है ना? यस. अब सिलेक्ट करना है कि सबसे यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा ये तीन सेट को मिला के. तो 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 है. मतलब फर्स्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 8 यहाँ पर है नहीं. तो फर्स्ट जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है. सेकंड इज एम्प्टी सेट, तो इस सेट को हम नहीं ले सकते, एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट पर जाना है. थर्ड नंबर में देखो, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 10 तक है.
उसमें 8 तक ही लिखा है, तो 10 भी आ गया, तो 10 तक है तो वो दिस इज द यूनिवर्सल सेट है, तो थर्ड नंबर इज यूनिवर्सल सेट, फोर्थ नंबर नहीं होगा, क्लियर होगा, क्योंकि यहां पर 0 नहीं है, क्लियर। तो थर्ड फोर्थ नंबर यूनिवर्सल सेट नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर जो 3 है वही यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और यूनिवर्सल सेट की जो थ्योरी हमने सिखाई वो एक बार देखो। Next, हमारा एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 के बाद एक न्यू टॉपिक यहां पर मैं चालू कर रहा हूं। न्यू टॉपिक इज व्हाट? न्यू टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट में किस तरह के ऑपरेशन होते हैं सेट में? तो लाइक द प्लीज यूनियन, यूनियन सेट ऑपरेशन, यूनियन सेट ऑपरेशन, ओके। सेकंड वन इज इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सेट ऑपरेशन। अपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में भी शायद पढ़ा होगा कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो यूनियन ऑपरेशन मींस क्या? तो यूनियन ऑपरेशन के फर्स्ट हम पढ़ते हैं यूनियन ऑपरेशन के बारे में, यूनियन सेट, यूनियन सेट ऑपरेशन, बाद में देखेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं और ऑपरेशन में यूनियन सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनियन सेट क्या होता है? तो यूनियन सेट में यूनियन सेट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। कैपिटल यू भी ले सकते हो या तो आप ऐसे साइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब यूनियन सेट होता क्या है? तो यूनियन सेट में हम बोल सकते हैं कि कोई भी सेट ए है सपोज 1 2, ठीक है, और बी सेट जो है वो हमारा है 3 4। अब ये दो सेट के बीच हमें यूनियन ऑपरेशन लगाना है, तो क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जब लगाओगे तब 1 2 लिखेंगे, यूनियन 3 4 लिखेंगे और उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे। कैसे ऑपरेशन करेंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यानी कि होता क्या है इसमें 1 2 3 4। आपने लिख तो दिया 1 2 3 4, लेकिन कैसे आता है वो सब कैसे मालूम पड़ेगा? तो देखो कि यूनियन आता है तो वो सेट को कंबाइन करो, और जब इंटरसेक्शन आता है तो वो सेट में से कॉमन निकालो, ठीक है। तो जब यूनियन आ जाता है तो वो सेट को कंबाइन करके हमने लिख दिया 1 2 3 4। तो यूनियन सेट और ऑपरेशन में ए यूनियन बी के प्लेस पर, तो ए यूनियन बी में क्या होगा? ए सपोज 1 2 है, बी 3 4 है, और ये दोनों का यूनियन करना है, यूनियन ऑपरेशन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 यूनियन 3 4। अब ये दोनों का कंबाइन करो तो 1 2 3 4 मिलेगा आंसर। सपोज दूसरे का एग्जांपल ले लेते हैं, आगे ए इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और बी इज इक्वल टू 2 3 ले लो, 0 1 2 3 ले लो, चलो ठीक है, कैसे करो फिर से मान लेते हैं। तो ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी का ऑपरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, 0 1 है, यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 2 1। अब उसके बाद ये दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने में क्या होगा? 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, लेकिन फिर से 1 नहीं आएगा। सो नंबर इज नॉट रिपीटेड, 1 नंबर इज नॉट रिपीटेड, सो यूनियन फॉर्म में नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम यूनियन फॉर्म में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यूनियन सेट ऑपरेशन में हमने देखा कि यूनियन सेट में क्या होगा, तो कंबाइन होगा, और इंटरसेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, इंटरसेक्शन
जब हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसमें हम यूनियन फॉर्म के हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल की बात करेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन सेट ऑपरेशन की भी बात करेंगे। थैंक यू।